रणवीर शोरे तो बहुत ही बड़े कॉमेडियन निकले। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल लाइव फीड की बात करें तो यहाँ पर रणवीर शोरे कॉपी करते हुए दिखे साई केतन राव की। यहाँ पर बैठे होते हैं लोकेश कटारिया और नेजी, जो कि उनकी एक्टिंग को देख रहे थे। वही रणवीर शोरे साई केतन राव के जो भी एक्टिविटी थी उसका कॉपी कर रहे थे। यहाँ पर साई केतन राव हाथ उठाते तो रणवीर शोरे भी हाथ उठाते, साई केतन राव खाँसते तो रणवीर शोरे भी खाँसते, साई केतन राव चल के टहलने लगते तो रणवीर शोरे भी टहलने लगते। कुछ इस तरीके से फुल टू कॉपी करते नजर आए रणवीर शोरे। और रणवीर की एक्टिंग देखकर कहीं ना कहीं साई केतन राव की हंसी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। साथ ही नेजी और कटारिया भी हंस हंसकर पागल हुए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रणवीर शोरे ने बहुत ही अच्छे से कॉपी किया साई केतन राव की। और साई केतन राव का तो भाई दिमाग ही घूम गया कि आखिर रणवीर से छुटकारा कैसे पाया जाए। मैं जो भी कर रहा हूँ रणवीर जी इसका कॉपी करते जा रहे। फिर जैसे ही साई केतन राव जाते हैं, रणवीर शोरे बोतल उठाकर उसे पानी पीने लगते हैं। और वहां पर रणवीर शोरे साई केतन राव की कॉपी नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर और कोई बोतल पड़ा ही नहीं था। और जैसे ही रणवीर शोरे की बोतल को साई केतन राव उठाकर पीने जाते हैं, रणवीर शोरे बोलते हैं ए मेरा बोतल रख, मेरा बोतल रख। और उनकी उनकी जो चली आ रही थी एक्टिंग, जो कॉपी कर रहे थे साई केतन राव की, वो एक्टिंग टूट जाती है। उसके बाद रणवीर शोरे चले जाते हैं अरमान मलिक के पास और अरमान मलिक की भी कॉपी बहुत ही अच्छे से करते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत ही फनी इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया था जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी भी आ रही थी। फिलहाल आपको कैसा लगा था रणवीर शोरे का ये एक्टिंग, कमेंट करके जरूर बताइएगा।